फार्माकोग्नोसी में हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ कि फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने फार्माकोग्नोसी के लिए अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोग्नोसी होती क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फार्माकोग्नोसी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स, इनसे मिलने वाली ड्रग्स कौन कौन सी हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग आगे BC, AD ये सब आएगा, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि BC और AD का मतलब क्या होता है। BC का मतलब होता है बिफोर बॉर्न, किसका बॉर्न, जीसस क्रिस्ट का, और AD का मतलब होता है जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। ये दोनों आपको आगे यूज़ आएंगे, तो इसलिए आपको पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि BC और AD का मतलब क्या होता है। अब हम लोग उन साइंटिस्ट के नाम याद करेंगे जो आगे यूज़ होंगे। जैसे पहला जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना योगदान दिया वो है बेबीलियंस। बेबीलियंस इन्होंने प्लांट्स और उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्लांट्स और उनकी क्या प्रॉपर्टी है और उनसे कौन सी डिसीज़ क्योर होती है, ये बेबीलियंस ने बताया। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं पेन ट्रस्किंग मो। इन्होंने सबसे पहले लिखा है चाइनीज़ फार्माकोपिया। इन्होंने चाइनीज़ फार्माकोपिया की बुक को लिखा और इन्होंने बहुत सारी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में भी आविष्कार किया, बताया कि कौन कौन सी चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ हम लोग करते हैं। तीसरा इजिप्शियन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, इन्होंने क्या किया, ये एल्बर पिप्रस ये एक इम्पॉर्टेंट पाइपरी हैं जिन्होंने किसके हैं, इजिप्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पाइपरी हैं, जिन्होंने क्या बताया कि नॉलेज ऑफ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया जिनको हम लोग डेड बॉडीज़ को मम्मीज़ के फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किसने बताया, ये इबर्स ने बताया। फोर्थ साइंटिस्ट जो थे वो हमारे चराका थे। चराका रोट अ फेमस आयुर्वेदिक ट्रीसीज चराका समिता। दे अप्रोच टू क्योर डिसीजेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि चराका ने ये बताया कि हम किसी भी डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मतलब इन्होंने ये बताया, डिसीजेस को ठीक भी किया और चेक किया क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। जब वो चर्च ठीक हो गया उसके बाद उन्होंने अपना अप्रूव दिया कि ये ड्रग क्लिनिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सुसित्रा। सुसित्रा कंटेन 184 चैप्टर। इन्होंने अपनी जो बुक है उसमें 184 चैप्टर्स बताए, जिसमें उन्होंने 1120 इलनेस के बारे में बताया, 700 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया, 64 प्रिपरेशन ऑफ मिनरल सोर्सेज, मतलब मिनरल से मिलने वाली कौन कौन सी ड्रग्स हैं ये बताया, और 57 इन्होंने एनिमल सोर्स मतलब जानवरों से कौन कौन सी दवाइयां हमको मिल सकती हैं उसके बारे में बताया। किसने बताया, सुसित्रा ने बताया। सेवेंथ इज हिप्पोक्राफ। हिप्पोक्राफ जो साइंटिस्ट हैं उनको फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, मतलब दवाइयों के फादर। इन्होंने एक लिटरेचर दिया जिसमें इन्होंने 300 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया, जिसमें 300 मेडिसिनल प्लांट मतलब जैसे कि गार्लिक जो है, गार्लिक कौन सी डिसीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब गार्लिक हम लोग इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट होते हैं उसके अगेंस्ट वर्क करता है, कौन करता है, गार्लिक। इस तरीके की 300 मेडिसिनल प्लांट के बारे में हमको हिप्पोक्राफ ने बताया, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। सेवेंथ वन इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में बताया, जिसमें 500 प्लांट का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट और उसके यूजेस मतलब इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया। किसने बताया, अरिस्टोटल ने बताया। एट्थ वन इज थियोफ्रेस्टस। इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी मतलब प्लांट्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दी है थियोफ्रेस्टस ने, जिन्होंने अपनी बुक डी कॉस्टिस प्लांटेरिया के बारे में बताया, जिसके अंदर प्लांट इटोलॉजी की पूरी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बुक इज डी हिस्टोरिका प्लांटेरियम, जिन्होंने इसमें प्लांट की पूरी हिस्ट्री दे रखी है।
और इसके अलावा 500 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज डाइस्कोराइड। डाइस्कोराइड जो है इनको ग्रीक का फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी माना जाता है। इन्होंने अपनी बुक के डी मटेरियल मेडिका में 5 वॉल्यूम दिए। 5 वॉल्यूम की इन्होंने बुक एक बनाई, जिसके अंदर इस बुक के अंदर 944 ड्रग्स हैं, जिसका कंप्लीट डाटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूजेस कंप्लीट 944 ड्रग्स का दिया है। ये किसने दिया है? डाइस्कोरिया का। इसके कारण इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी माना जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो है प्लीनी। जो प्लीनी नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, हिस्टोरिया नेचुरिया बुक। इस बुक में इन्होंने 1000 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हम लोग डिसीज़ के फॉर्म में डिसीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट गैलेन। गैलेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनको ग्रीक फार्मासिस्ट माना जाता है। इनको फार्मासिस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स से कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं और उनका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस कैसे बनाया जाता है, ये गैलेन ने बताया। नेक्स्ट हैं प्रेसिलस। ये प्रेसिलस जो साइंटिस्ट हैं, इनको स्विस फिजिशियंस माना जाता है, जो कि बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजिकल मतलब कौन सा ड्रग प्लांट का लेने से बॉडी के अंदर कैसे रिएक्ट करता है और कैसे वो ठीक होता है। थैंक यू।